Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. नमस्कार, हम सब ने अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो खुद की कंपनी शुरू करने का सोचा ही होता है, या हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठकर कोई नया स्टार्टअप खोलने का तो जरूर सोचते हैं। इन आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आज आम लोग भी अपनी खुद की कंपनी खोल रहे हैं, खुद के बॉस बन रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों के अनुसार DPIIT में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 2016 में महज 504 थी, जो 24 फरवरी 2021 में बढ़कर 44,534 पर पहुंच गई। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो इनकी संख्या 2017 में बढ़कर 5,411 पर और 2018 में बढ़कर 8,444 पर पहुंच गई। 2019 की अगर बात करें तो ऐसे स्टार्टअप्स की संख्या 11,668 और 2020 में 14,770 हो गई। इन स्टार्टअप्स में IT, ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर, गेमिंग, मॉडर्न ट्रेड, बायोटेक और कंज्यूमर गुड्स कंपनियां शामिल हैं। ये थी आंकड़ों की बात। अब अगर आप अपने स्टार्टअप को या अपनी कंपनी को स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले startupindia.gov.in पर लॉगिन करें, अपनी कंपनी का नाम, स्थान और पंजीकरण की तारीख दर्ज करें, अपने डॉक्यूमेंट्स में पैन विवरण, पता, अपने एरिया का पिन और राज्य दर्ज करें। इसके बाद प्राधिकृत प्रतिनिधि, निदेशकों और भागीदारों के विवरण जोड़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, कंपनी की स्थापना और पंजीकरण प्रमाण पत्र दर्ज करें। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत अपना खुद का स्टार्टअप रजिस्टर करते हैं तब आपको क्या लाभ मिलता है? सबसे बड़ी समस्या स्टार्टअप को पेटेंट प्रदान किए जाने में समय लगना है। स्टार्टअप इंडिया के तहत पेटेंट रजिस्ट्रेशन मिलने में कम समय लगने लगा है। स्टार्टअप पेटेंट दायर करने के शुल्क में 80% तक की छूट और ट्रेडमार्क दायर करने में शुल्क में 50% तक की छूट मिलती है। टेंडर्स के पार्टिसिपेशन में किसी को पिछले कारोबार या कोई पास्ट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। सरकार को उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए स्टार्टअप के लिए GEM स्टार्टअप रनवे शुरू किया गया है। यहां आप अपने उत्पादों को सरकार को बेच सकते हैं। इस पहल के अंतर्गत रजिस्टर्ड स्टार्टअप 6 श्रम कानूनों और 3 पर्यावरणीय कानूनों से खुद को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। स्टार्टअप को 3 साल से 5 साल की अवधि के लिए आयकर से छूट दी गई है। स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर करने के लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी होनी चाहिए? इसके लिए आपकी कंपनी की उम्र, अस्तित्व और संचालन का समय 10 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप को एक निजी कंपनी, LLP या पार्टनरशिप फर्म के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक कारोबार नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप पुनर्गठन का उत्पाद नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वैश्विक कारोबारी नक्शे में भारत मजबूत हुआ है। भारत आज आत्मनिर्भर बनने के पथ पर अग्रसर है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में क्रेडिट स्विस का रिसर्च पेपर है। उसके अनुसार भारत में 100 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जो नई हैं। इन कंपनियों की लिस्ट भी मार्केट में नहीं है और इनकी वैल्यू भी अरबों डॉलर में है। इनमें से करीब 2/3 यूनिकॉर्न तो 2005 के बाद शुरू हुए हैं। इन यूनिकॉर्न कंपनियों की सफलता दर्शाती है कि वैश्विक कारोबारी नक्शे में भारत की जगह मजबूत हुई है और देश में इनोवेशन व उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ाने में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।